घर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लीनिंग के लिए यानी कि घर को संभालने के लिए हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं लेकिन वो कैसा है क्या है क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए तो रिव्यू के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ चीजें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रोडक्ट है नो डस्ट ब्रूम जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ और सबसे अच्छा फायदा ये है कि जैसे ही ये आए तो ये रेडी टू यूज़ है जो हमारे पास वैसे झाड़ू आती हैं उनमें से काफ़ी सारी डस्ट हमें निकालनी पड़ती है और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको लगाने के लिए झुकना नहीं पड़ता कारपेट जैसे सर्फिस में भी अच्छा वर्क करती है और जैसे ये मेरे पास दो हैं एक ऊपर वाले फ्लोर के लिए एक नीचे के लिए थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो कुछ इस तरह से ये रह रहती है और नई जो रहती है वो बिल्कुल प्लेन सी रहती है आजकल इस तरीके की प्लास्टिक ब्रूम आ रही हैं हैं लेकिन उनके साथ दिक्कत ये होती है कि जो जो झाड़ू जिससे लगाते वो जगह पे जो इसके रेशे हैं धागे हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं जिससे बहुत अच्छी क्लीनिंग नहीं होती है और दूसरा इनकी हाइट काफी छोटी होती है जिससे कि काफी झुकना पड़ता है तो जो ये मेरी फेवरेट झाड़ू है ब्रूम है ये मेरा एक मनपसंद प्रोडक्ट है अब मैं आपको बता रही हूँ डिश वॉश लिक्विड डिस्पेंसर्स के बारे में अलग अलग तरीके के मार्केट में आते हैं जिसमें सबसे पहला एक बड़ा पॉपुलर ये प्रोडक्ट है इसमें ऊपर जो स्क्रबर है उसे रखने के लिए जगह बनी होती है पंप होता है और नीचे इस तरीके का एक बोल होता है जिसमें जो है लिक्विड भरा रहता है और दूसरा कुछ इस तरह का है तो ये ना बहुत सारी वैरायटी में आ रहे हैं आजकल और जो ये है इसे आप अलग अलग कई पार्ट्स में कर सकते हैं लेकिन थर्ड भी एक और प्रोडक्ट है जो कि मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ यानी कि अगर हम लिक्विड डिस्पेंसर की बात करें तो बहुत सारे हैं तो हमें इसमें कौन सा लेना चाहिए वो बताती हूँ और ये जैसा कि मैंने आपको बताया करीब तीन सालों से मैं परफेक्टली यूज़ कर रही हूँ अब इन तीनों में से मैं आपको एक कंपैरिजन बताती हूँ जैसे जो सबसे पहले मैं पुराना वाला यूज़ कर रही हूँ इसके बारे में बताती हूँ इसमें लिक्विड भर देते हैं और लेकिन जब इसमें ऊपर प्रेस करके इसमें से निकालते हैं ना लिक्विड को तो इसमें जो गंदगी है वो ऊपर इसी में रह जाती है पानी सा रह जाता है और ये गंदा दिखाई देता है जिसकी वजह से इसे बार बार साफ करना पड़ता है यहाँ पे इसके पानी भरा रहता है बहुत ज़्यादा जिससे कि यहाँ गंदगी रहती है क्योंकि जब हम इसे दबाते हैं ना तो यहाँ पे सब कुछ चीजें जो है ऊपर आ जाती हैं दबाने के बाद भी यहाँ गंदगी इसमें ऊपर रहती है और फिर उसके ऊपर जब हम इसको रख देते हैं तो कुछ ये क्लीनिंग इसकी नहीं हो पाती है तो हर बार बर्तन धोने के बाद ना हमें ऊपर से इसको क्लीन करना रहता है एक तो इसमें जो भी यहाँ पे जमा होता है जो भी गंदगी जमा होती है वो नीचे चली जाती है तो आप इसे जो है यहाँ पे दबाइए तो इसमें जो यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल कर आता है जब या जब ये जो है गीला होता है तो जो इसका पानी होता है वो इसके ऊपर जमा नहीं होता है जैसे जब हम इसमें करते हैं ना तो यहाँ पे गीला पानी जमा हो जाता है जिसकी वजह से ये एरिया ऊपर का एरिया काफी गंदा हो जाता है तो इसमें जब हमने यहाँ मतलब इसको रखा दबाया तो जो भी पानी था अंदर चला गया दूसरा इसमें यहाँ पे ये यह जगह दी हुई है जिसमें कि आप इस तरह से इसको रख सकते हैं स्क्रबर को रख सकते हैं अब आपको क्या करना है यहाँ पे जूना रख के इस दबाना है इसमें आ जाएगा लिक्विड और फिर आप इससे बर्तन क्लीन कर सकते हैं एक चीज बताती हूं अगर आप जो है ना बर्तन धो रहे हैं अपने मान लीजिए कि आप अपने बर्तन धो रहे हैं और धोते टाइम आपको अगर इसमें जो है थोड़ा सा लिक्विड और चाहिए आपको इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा और फिर आप जो है इसे दबाएंगे फिर इसे उठाएंगे ये वाली चीज इसमें एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा जैसे लगातार जल्दी जल्दी मैं बर्तन धोती हूं तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे रखना फिर इसे दबाना फिर इसे उठाना हो जाएगा जबकि अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है अगर हम बर्तन धो भी रहे हैं तो हमें डायरेक्टली उसी हाथ से हमें डायरेक्टली इस पे करना है और क्विक वे में हमारे पास ये चीज आ जाती है तो इसमें मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये वाला लगा कि इसमें सारी चीजें जो हैं बढ़िया तरह से हो रही है अगर हमें बनानी है ढेर सारी पूड़ियाँ तो पूरी कटर एक ये आता है ये मैंने नया मंगाया था आज पहली बार इसको ट्राई कर रही हूँ तो देखिए इस तरह से एक बड़ी रोटी बना के उसके ऊपर इसे चलाना पड़ता है जिससे बिल्कुल गोल गोल पूड़ियाँ निकल आती हैं तो जो इनकी मोटाई रहती है वो बिल्कुल इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आपने कितनी मोटी पूड़ी बेली है मुझे बिल्कुल बढ़िया लगा अच्छी तरीके से पूड़ियाँ इसमें से निकल गईं और जो ये मेरा आटा था ना ये बहुत पतला था क्योंकि मैंने रोटी के लिए ये आटा बना रखा था जो कि मैं काफ़ी पतला गूंजती हूँ इसलिए ये हल्का चिपका लेकिन बाद में मैंने ट्राई किया थोड़े से आ, मतलब टाइट आटे पे तो इसने परफेक्टली वर्क किया तो पूरी कटर एक अच्छा प्रोडक्ट है आप इसको ले सकते हैं अगर ज्यादा पूड़ियां बनानी है और यह है स्टेनलेस स्टील का एक बड़ा चॉपिंग बोर्ड यानी कि काउंटर टॉप बोर्ड जो मेरा काउंटर टॉप है वाइट कलर का है तो काफ़ी गंदगी हो जाती है तो उसे बचाने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ यह भी मेरे पास करीब दो सालों से है लेकिन जब कभी भी मैं इसको बिछाती हूँ तो इसके नीचे कोई भी एक कपड़ा या कोई भी नैपकिन या टॉवल वगैरह लगा देती हूँ और इसकी जो ग्रिप है वो इतनी बढ़िया होती है कि अच्छे तरीके से काउंटर टॉप में फंस जाता है और बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता है जैसे कि बाकी के चॉपिंग बोर्ड्स हिलते हैं सब्जी काटने के लिए रोटी बनाने के लिए बहुत परफेक्टली ये यूज़ होता है और हाँ काउंटर टॉप की जो है ना उसको भी गंदा होने से बचाता है और यह है एक नया आइटम और यह है सोप डिस्पेंसर जो कि मैंने नए लिए हैं किचन के लिए स्पेशली बड़े ही सुंदर लगे देखते ही पसंद आ गए एक में डिशेस लिखा हुआ है एक में हैंड्स इसमें लिक्विड रख सकते हैं हम और मुझे थोड़े से ये बड़े चाहिए थे बहुत ही सुंदर हैं दिखने में इन मतलब और सिरेमिक के बने हैं ना तो और भी मुझे अच्छे लगे और वैसे मेरे पास पहले आइकिया के ये दो ग्लास के सोप डिस्पेंसर्स थे इनकी थोड़ी सी इनका जो साइज़ है वो मुझे बिल्कुल वैसे तो परफेक्ट लगता था थोड़ा छोटा लगा और अब मैं इनको कहीं और शिफ्ट कर रही हूँ तो किचन के लिए नए मंगाए थोड़े से बड़े ये भी बहुत अच्छी चीज है तो अगर आप सोप डिस्पेंसर किचन के लिए लेना चाह रहे हैं तो पहले इन्हीं छोटे वाले आई किया के ट्राई करिएगा और ये देखिए स्पाइस रैक है और ये है प्लास्टिक की ये मैंने ली थी अभी कुछ टाइम पहले लेकिन ये मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आई क्योंकि जब इसमें हम आ, कुछ भी मसाले वगैरह रखते हैं ना उनकी शीशियाँ रखते हैं तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि ड्रॉर में वो अच्छी तरीके से फिट हो जाएँ क्योंकि ये ड्रॉर में रखने का एक आइटम है जिसमें कि स्पाइसेज जो हैं ऑर्गेनाइज रहते हैं फिर मैंने ये दूसरा लिया वुडन का इस तरह का ये मुझे एक तो इसलिए अच्छा लगा कि ये काफ़ी हैवी है सरकता नहीं है और ये अलग अलग पीस में आता है कि जितना बड़ा आपको इसे बनाना है आप बना सकते हैं और इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए यहां पे जो ग्लास बॉटल्स हैं ना वो फिक्स हो जाती हैं और जो ग्लास बॉटल्स हैं इसमें रखने के लिए देखिए कितने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो रखी हैं आ, तो लेकिन वही मैंने आपको बताया प्लास्टिक वाले में ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं होती थी और जो ये बॉटल्स हैं ये वन ट्वेंटी की ग्लास जार्स हैं छोटे छोटे और ये इतने बड़े हैं कि इसमें आपका एक महीने का काफ़ी सारा मसाला आ जाता है तो छोटे छोटे स्पाइस बॉटल्स आपको लेनी है तो आप इसको लीजिए और रैक में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करिए मलमल का कपड़ा मेरी मम्मी की किचन में हमेशा रहता था मसलिन क्लोथ और ये बिल्कुल अनब्लीस्ड होता है मसाले की पोटली बनानी हो पनीर बनाना हो जो कुछ भी बहुत सारी चीज़ें छाननी हो उसके लिए बहुत काम आता है मेरी किचन में इसका एक मीटर का पीस हमेशा ही रहता है और रोटी कवर यानी चपाती कवर ये मैंने करीब तीन साल पहले मंगाए थे और ये बारह पीसेस थे अभी तक चल रहे हैं बहुत बढ़िया चीज़ है ये एक किचन का मस्ट है और अगर हम रोटी के कैसरोल की बात करें तो कुछ इस तरीके की जिसमें नीचे एक प्लेट आती है इस तरीके का चपाती पॉट ही हमको लेना चाहिए इसमें चपाती बिल्कुल भी गीली नहीं होती हैं और इसमें इस तरह से हम रोटी कवर को लगा के रख सकते हैं और अब बात करते हैं छलनी की बहुत सारी आ, हमारे किचन के जो काम होते हैं वो इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं लेकिन इस तरह की जो होती है ना ये टूट जाती हैं निकल जाती हैं फिर इनका कोई भी यूज़ नहीं रहता है तो अब इनको तो मैं नहीं लेती हूँ हाँ इस तरीके की देखिए कितनी बढ़िया ये स्टेनलेस स्टील का कोलेंडर है ये आइकिया का है बहुत बढ़िया है और दूसरी चीज़ यह है कि इसमें पकड़ने के लिए साइड में हैंडल्स बने हैं गर्म पानी वगैरह अगर हम इसमें डालते हैं या गर्म चीज़ तो वो भी आसानी से छन जाती है और ये भी मेरा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एकटा जो कि स्टील का है ये एक्चुअली थ्री पीसेस का मेरा एक सेट है ये बहुत अच्छा वर्क करता है और एक मेरे पास ये बहुत पुरानी है जो कि बहुत मेरे काम आती है तो अगर आप नई ले रहे हैं तो कुछ इस तरीके की ओवर द सिंक कोल्ेंडर स्ट्रेनर भी ले सकते हैं या फिर जो मैंने आपको बड़ी वाली दिखाई थी आइकिया की वो ले सकते हैं ये जो छलनी होती हैं अलग-अलग टाइप की अलग-अलग कामों के लिए ही होती हैं तो जो मेरी सबसे ज्यादा काम में आती है वो आती है ये वाली जो कि थोड़ी सी चौड़ी और छोटी है या फिर वो जो आइकिया की कि मैंने आपको गहरी वाली दिखाई है आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये किस तरीके की कढ़ाई है देखिए अगर आप नॉनस्टिक का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यूज़ करिए हनी कोम टाइप की बर्तनों का इसमें भी चीज़ें चिपकती नहीं है बहुत आराम से आप भून सकते हैं मूंग की दाल का हलवा बढ़िया तरह से बन जाता है बगैर चिपके तो जो नॉन है उसका ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ और यह है एक ब्रश जिसमें कि नीचे लगा हुआ है एक बहुत आ, मतलब स्क्रबर तो अगर आप क्लीनिंग सुपर क्लीनिंग करना चाहते हैं खासकर टाइल्स की और हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरे बाथरूम्स में और किचन में ये हमेशा रहता है बस इसमें जो है हाथ पकड़ने की जगह है और एक बढ़िया स्क्रबर है नीचे जिससे अच्छी तरीके से क्लीनिंग इससे हो जाती है और स्पेशली जो टाइल्स होती हैं चाहे वो वॉल हो या फ्लोर हो इससे बढ़िया तरह से साफ़ होती हैं मेरे पास ना ग्लास की वाटर बॉटल्स हैं उन्हीं को मैं फ्रिज में रखती हूँ लेकिन हमेशा उनके टूटने का डर रहता है तो अब की बार मेरी सिस्टर ने मुझे ये वाली स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स दिखाई ये इनके अंदर कोई लेयर नहीं है जैसे कोल्ड या हॉट वाट वाटर का जो होता है ना सिस्टम वो इसमें नहीं है बिल्कुल प्लेन वाटर बॉटल्स हैं ये स्टेनलेस स्टील की और ये मैंने इसलिए ली कि मैं इन्हें फ्रिज में रख सकूँ और मुझे प्लास्टिक की बॉटल्स बिल्कुल भी यूज़ ना करनी पड़े और इस चीज़ का भी डर ना हो कि ये टूट जाएंगी क्योंकि जब डोर पर कांच की बॉटल्स रखते हैं तो उनके गिरने का काफी डर रहता है और यह है एक ऑयल स्प्रे बॉटल जो कि किचन का मस्ट है प्रोडक्ट है जब कभी भी हल्का ऑयल लगाना होता है हम ब्रश की मदद से लगा लेते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाता है और इतना इवन भी नहीं होता इसलिए मुझे ये पसंद आई और इसके साथ जो ये छोटा सा पाइप है ध्यान रखिएगा कोई भी गंदा ऑयल ना हो यानी उस ऑयल में कुछ भी पार्टिकल्स ना हो नहीं तो इस पाइप में फंस जाएंगे और बिल्कुल भी स्प्रे नहीं होगा तो किचन में ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम में आती है और हर काम के लिए एक चीज़ तो होनी ही चाहिए जैसे कि कास्ट आयरन की कढ़ाई में मैं ऑयल की लेयर लगा के रखती हूं तो ये सामने रखी रहती है तो कभी भी ये कढ़ाई जो है ना मतलब ऐसे ही मैं नहीं रखती हूं तो आ, इसी तरीके से जब कभी भी और किसी फूड आइटम्स में इसका यूज करना है तो परफेक्ट चीज है किचन के लिए एक स्प्रे बॉटल होनी ही चाहिए बाथरूम में जो सिंक होता है उसमें ना बाल फंस जाते हैं हमारे गंदगी लग जाती है निक, रह जाती है उसमें उसके लिए ये कुछ फिल्टर्स आते हैं जो कि बढ़िया रहते हैं ये भी मैंने काफ़ी पहले लिए थे और अभी तक चल रहे हैं इसमें जो है ना सक्शन कप्स होते हैं जिससे अच्छी तरह से ये नाली में या सिंक में फिट हो जाता है बहुत ज़्यादा नहीं सरकता है हाँ जब बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो होता है तो थोड़ा सा ये अपनी जगह से हट जाते हैं जो बाल वगैरह होते हैं वो इसी में ऊपर रह जाते हैं और हमेशा हमारी जो नाली वो साफ रहती है अगर आप भी टाइल्स में या वॉल पे छेद नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके की एडेसिव शेल्फ जो हैं बहुत बढ़िया रहती हैं किचन में जो मेरा पत्थर लगा है या जो स्टोन है उसमें बहुत आसानी से ड्रिल नहीं हो पाते हैं तो मैंने इसी को यहाँ पे लगा रखा है और वैसे भी बाथरूम्स में जहाँ पर टाइल्स लगी रहती हैं वहाँ पर भी हम इसी तरीके की एडेसिव शेल्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर अगर हम सामान रखें तो ये जल्दी से गिरता भी नहीं है तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि घर में काफ़ी काम आता है 就。 और अब ये हैं सक्शन लिड जो कि तीन के सेट में आई थी काफ़ी पहले मैंने ली और इनका मैं खूब यूज़ करती हूँ कवर करने के लिए या तो हम प्लेट्स ले लेते हैं लेकिन इनका खूब यूज़ होता है और इसमें थोड़ी सी जो है ना सक्शन है तो अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा पानी भरा हो और आप इसको दबाएँ और उठाएँ तो वो चीज़ गिरती नहीं है लेकिन इसे ट्राई मत करिएगा तो ये कवर करने के ही काम में आती हैं और बहुत कम जगह में इसे मैं रख देती हूँ क्योंकि ये एक के अंदर एक आराम से फिट हो जाती हैं तो एक ये भी किचन का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं काफी यूज करती हूँ तो इस तरह से दोस्तों छोटी छोटी चीजों को लेके बनाया मैंने ये आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और अगर पसंद आए ना तो लाइक करना मत भूलना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय बाय